आपका हमारे चैनल न्यूज़ ब्लास्ट में स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। विराट संकट में भारत की पहली पारी, 118 रनों पर भारत की 5 विकेटें गिर चुकी हैं। सैम करन ने 3 और बेन स्टोक्स को मिले हैं 2 विकेट। अब कप्तान विराट कोहली पर ही है जिम्मेदारी, कई जीवनदान के साथ क्रीज पर है। हार्दिक पांड्या को भी मिले हैं जीवनदान, टेल के साथ मिलकर इंग्लैंड के स्कोर के पास जाने की करनी होगी कोशिश। चेतेश्वर पुजारा की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किए गए केएल राहुल उम्मीदों पर नहीं उतरे खरा, अपनी दूसरी गेंद पर हुए आउट, बाहर जाती गेंद के साथ की थी छेड़खानी। इससे पहले आज सुबह सिर्फ 2 रन जोड़ सके थे इंग्लैंड, 287 रन बनाकर उनकी पूरी टीम हुई थी आउट। आखिरी विकेट मोहम्मद शमी को मिला। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। इवनिंग गुड है यहां पर, वहां तो दोपहर चल रही है इंग्लैंड में। अब भारत के लिए दिन अच्छा नहीं है, 5 विकेटें गिर चुकी हैं 118 रनों पर। हुआ क्या, 5 विकेटें गिर गई भारत की। हालांकि मजे की बात यह है कि 50 रन सलामी बल्लेबाजों ने जोड़ दिए थे। हमें तो ये खतरा रहता है कि यार नई गेंद कैसे खेली जाएगी, 50 रन की पहले विकेट की साझेदारी थी, उसके बाद 14 गेंदों में 3 विकेटें गिर गई, फिर 100 रन पर 2 और विकेटें गिर गई, यानी कि 118 5 आउट। विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं 33 रन बनाकर, कई जीवनदान उनको मिले हैं। हार्दिक पांड्या को एक बार आउट भी दे दिया गया था, रेफरल में बच गए, उनका भी कैच छूटा है, 10 रन बनाकर वो खेल रहे हैं। यानी कि फिलहाल भारत 169 रन पीछे है अभी भी इंग्लैंड के 287 रनों के जवाब में। मदन जी स्टूडियो में, निखिल चोपड़ा स्टूडियो में, और मैदान के पास से कौन है हमारे साथ, हमारे एक्सपर्ट हरभजन सिंह। और भज्जू, सबसे पहले आपके पास, ये हो क्या रहा है, इतनी लचर बल्लेबाजी तो हमें लगता था सिर्फ साउथ अफ्रीका में हुई है, क्योंकि इंग्लैंड में आने से पहले तो सबने कहा, कप्तान ने कहा, कोच ने कहा, हुंकार भरी, वो हुंकार ही थी, बात तो नहीं थी कुछ। देखिए, जो हो रहा है वो तो गलत ही हो रहा है, क्योंकि यह जिस अंदाज से विकटें गिरी हैं मुझे लगता नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि आज बैटिंग के लिए दिन बहुत अच्छा था, और ये हरी विकेट नहीं है, इसके ऊपर जो ग्रास है वो पीली रंग की ग्रास है, जो कि जली हुई है, सड़ी हुई है, जिसमें विकेट में जान नहीं है कि ऐसा सीमर के लिए कुछ खास नहीं है। इंग्लिश कंडीशन नहीं कहूँगा, भारत की तरह कंडीशन है, बट उसके ऊपर भी अगर हम 5 आउट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बैटिंग में प्रॉब्लम है, शायद हमारी प्रिपरेशन जो है वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, बट कहीं ना कहीं अब हम उस सिचुएशन में इस मैच में आ गए हैं कि अगर विराट कोहली आउट होते हैं तो हम, हो सकता है कि 50 60 70 80 रन, जितने भी रन की लीड है वो उनको देना बैठे कहीं, क्योंकि अगर विराट कोहली खेलते रहेंगे तो हम टोटल के पास जाएंगे, अगर जब विराट कोहली अगर आउट हो गए तो हो सकता है हम उनको लंबी लीड भी दे सकते हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वैसे तो 169 रन अभी भी पीछे है भज्जू। मैं तो यहाँ से ये मानता हूँ कि अगर 69 रन भी भारत जोड़ ले, 69 रन भी यहाँ से जोड़ ले, 100 से नीचे लीड ले आए तो भी गनीमत है, लेकिन अब पता नहीं। मदन जी, सवाल फिर पीछे, मुझे 2 हफ्ते से ये अंदेशा था कि आपके बल्लेबाज तैयार नहीं है, आप वनडे सीरीज हारे उसके बाद 5 दिन की आप छुट्टी पर चले गए, फिर आपने कहा यार मैच में 4 दिन कौन खेलेगा, 3 दिन खेलेंगे, फिर आप बर्मिंघम भी नहीं गए, बरसात हो गई, आपने कहा इंडोर प्रैक्टिस कौन करेगा, छोड़ो ये लाल बॉल की क्रिकेट, आज दूध का दूध पानी का पानी है, हो सकता है यहां से भारत वापसी करे, हो सकता है कल को भारत ये टेस्ट मैच जीते, परसों ये भारत सीरीज भी जीत जाए, तैयारी लेकिन वो जीत की नहीं है, वो हुंकार हुंकार थी, उसमें कोई दम नहीं निकला अभी तक फिलहाल। देखिए, तैयारी तो बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि आप तो क्यों नहीं हुई, आप साउथ अफ्रीका में गए, वहां पर भी आपने कहा अरे यार यहाँ पे ये गलती हो गई, फिर आपने कहा इंग्लैंड में ठीक कर लेंगे, इंग्लैंड में ठीक नहीं हुआ वो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया में ठीक कर लेंगे, नहीं ऐसे नहीं होता, तो मदन जी हो रहा है ऐसे, नहीं नहीं ऐसे कभी होता नहीं कि आप गलतियों को आगे डालते चले जाए और आप ठीक करते जाए, ऐसे कभी होता नहीं, ठीक आपको उसी टाइम पे करनी पड़ती है। जो हमने एक मैच खेला था, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि रेड बॉल 2 मैच खेलते ज्यादा बेहतर, अगर आप देखें रेड बॉल कल भी हमने भी
मेरे 60-70 ओवर तक गेंद जो है मूव होता चला गया, होता गया। अगर आपने आपने मूवमेंट कराई, पर इंग्लैंड ने मैं समझता हूँ अभी तक जो गेंद की मूवमेंट है काफी काफी ज्यादा, और हम बैटिंग अच्छी नहीं कर रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमने की ही नहीं अच्छी। अगर हमने अच्छी की होती तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी नहीं होती। और एक और मैं बात करना कहना चाहूंगा कि इंग्लैंड ने बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की है। देखिए एक ही कॉरिडोर में उन्होंने गेंद करते चले गए हैं, वहां से ऑफसाइड ऑफ स्टंप ऑफसाइड थोड़ा सा थ्री क्वार्टर, लेकिन थोड़ा दयालु रहे क्योंकि उन्होंने स्लिपों में कैच ज्यादा छोड़े। भारत के तो गई दो थे, दोनों छूट गए, कीपर ने कलाबाजी मार के छोड़ दिया, एक अजिंक्य रहाणे ने छोड़ दिया। यही आशा करो गए ज्यादा, उन्होंने भी सारे टप्पे। अब यही आशा करो कि ये थोड़ी सी एक पार्टनरशिप हो जाए, यानी पार्टनरशिप, लेकिन ये है कि खड़ा होना शुरू हुई है विराट कोहली। पता जो भी मर्जी आप कहिए, विराट कोहली की क्लास में और बाकी बल्लेबाजों की क्लास में जो फर्क है वो सनलाइट कहते हैं ना, वो भी दिखता है। विराट भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका भी कैच छूट रहा है, लेकिन बड़ा बल्लेबाज वही स्ट्रगल करे, कैच छूटे, मिस करे, पर विकेट ना फेंके। विराट ने अपनी विकेट पर अभी भी कीमत लगा कर रखी हुई है कि मैं आउट नहीं होऊंगा, आप मुझे आउट कर सको कर लो। आप केएल राहुल का वो शॉट देखो, आप शिखर धवन का वो शॉट देखो, आप अजिंक्य रहाणे का वो शॉट देखो।